Good morning, sir. I'm a new assistant. लाइफ का हो या गाड़ी का, हमारे सर जी ना किसी और के हाथों में कंट्रोल नहीं देते। Excuse me, sir. आपके मिस्टर मेहता के साथ कैफे में 15 मिनट में मीटिंग है। प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। फैमिली पीछा क्यों कर रही थी तुम्हारा? क्योंकि मैंने उनकी भाग के शादी करवाई है। I said get out. लेकिन क्यों? क्योंकि जो लड़की लोगों की भाग कर शादी करवाए उनकी फैमिली का दिल तोड़े, वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तुम दोनों को जरा से भी आइडिया तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हारी फैमिली को कितना बुरा लग रहा होगा? लड़की की एज कितनी है? लगती नहीं है पर बालिग है। डोंट सॉरी पर इमरजेंसी है। सुना था वक्त के बड़े पाबंद हैं आप, पूरे 5 मिनट लेट आए हैं। वक्त की कीमत का अंदाजा नहीं है आपको। I'm sorry, sir. कीमत इसकी और बढ़ा दो, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की नहीं 5 करोड़ की। लेकिन हमारी बात तो 4 करोड़ में हुई थी। बातों का क्या है, बातें तो बदल जाती हैं। क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करने आए? भाई 2 लहंगों तक बाद में ले आऊं, आप बस एक फाइनल कर दो। गाइस आई एम इन अ मीटिंग। आई एम सॉरी भैया, लेकिन जब तक लहंगा फाइनल नहीं होगा मेरी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। सो प्लीज जस्ट पिक वन, दिखा ना, ये देखो। यू अबे क्या सिखा रहा मेरे बुड्ढे को, और क्या ये फैमिली फैमिली लगा रखा है यहाँ तूने? तेरी फैमिली के बारे में ना यहाँ सब जानते हैं। तेरी माँ घर छोड़ के भाग गई थी ना, और तू यहाँ हमें ज्ञान दे रहा है फैमिली का? जैसे तेरी माँ भागी थी ना वैसी तेरी बहन भागेगी। आज दिन ही अजीब है, कोई बुजुर्गों की इंसल्ट कर रहा है तो कोई बुजुर्गों को बिगाड़ रहा है। मम्मी ने ऐसा क्यों किया भैया? कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाती है? हमें कब तक सुनना पड़ेगा ये सब? हमेशा माँ अपने बच्चों के लिए यादें छोड़ के जाती है, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए शर्म छोड़ के गई है। तभी तो उनका नाम सुनते ही I'm sorry. I lost control. मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूं, मेरा काम
इस फैमिली को, इस फैमिली की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है, तमाशा करना नहीं। अहान वीर मल्होत्रा, शक्ल से नाम बिल्कुल मैच नहीं करता। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को किसी और तरह की लड़की से इश्क हो गया तो क्या करोगे? No way. मुझे तो एक अच्छी होममेकर ही चाहिए। और मुझे वर्किंग वुमन ही चाहिए। और हम किसी और से प्यार होने नहीं देंगे। क्या भाई? क्यों भाई? आप लोगों ने शायद सुना नहीं है, इश्क पे जोर नहीं। इश्क पे जोर नहीं, देखा आपके मुंह से बुलवा लिया ना मैंने, देखा आपने, देखा। ओह नाइस। भैया लड़की आई है। हाँ? अरे आपसे मिलने लड़की आई है। अरे आपकी बहुत खास है। क्या बकवास कर रहा है? अरे चिट्ठी लेकर आई है भाई साहब, खास तो होगी ना। चक्कर कब से चल रहे हैं? चाचा जी मैं तो कहती हूँ मेरे साथ साथ इन दोनों का भी रोका करवा दो। ब्रिलियंट आइडिया, सही कह रहे हैं। भैया जी हमको तो भाभी बहुत पसंद है। जस्ट शट अप। आप लोग सब समझ क्यों नहीं रहे हो, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, ये चोर है लड़की, चोर। माय नेम इज इश्की एंड आई एम नॉट अ चोर। नाम तो बड़ा चंदा है। थैंक यू। इश्कान है क्या? कपल नेम। आर यू मैड? मैं और ये जी उन्दी रहे बेटा। नौकरी मिल गई, मिल गई भाभी को नौकरी मिल गई। रुको। तू रुक, खुद ते दिया जलांदा नहीं है, जला रही है तो एनु रोक रहा है। दिया जलाते हो कितनी क्यूट लग रही है। ऐ की है? क्रेडिट नोट। जब पैसे आ जाएंगे ना तो 1000 रुपए चढ़ाऊंगी। क्या ओ? थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरे लिए बड़ी लकी है। भाई भी संभाल के। रबे कुड़ी नू ते दे परिवार नू खुश रखे। पैसे कहाँ छुपा के रखे? देख मुझे दारू की बहुत तलब लगी, अभी मैं पूछ रहा हूँ, जब ये पूछेगी ना तब फिर से दर्द होगा, तब मुझे बहुत बोलो। I'm sorry कि मैंने आपकी गाड़ी बोरो की। चोरी करने को बोरो करना नहीं बोलते। But just remember कि दो दिलों को मिलवाने के पुण्य में अब आप भी शेयर होल्डर हैं। आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आजकल के जमाने में कोई अपनी कॉफी शेयर नहीं करता, ये आपसे पुण्य शेयर कर रही है। पुण्य? भाई इसके तो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी ना आपके वाले। सो संस्कारी। I'm sorry इश्की, मेरी वजह से फिर तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारे पैसे भी ले गए। I'm sorry. भाई लेकिन आपके और उस लड़की के बीच में कुछ तो है। Hate chemistry. और क्या? Guys, please. मेरी already एक girlfriend है। आपने उसे मेरी शादी में भी नहीं बुलाया। मैंने रिया को अपनी फैमिली से नहीं मिलाया। Honestly, guys, अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है। आप बुलाते हो कि मैं आपकी शिकायत कर दूँ? जा कर दे। किससे करेगी? दादी से। टीम भैया। चाचा। टीम भैया। अब भोले से जाके तो नहीं करूंगी ना, मम्मी होती तो उनसे जाके बोलती, फिर वो आपको।
माँ का नाम आते ही क्या हो गया इश्की? वही जो हमेशा हो जाता है, कभी पहले याद आती है फिर नाम आता है, तो कभी पहले नाम आता है फिर याद आती है। जो बेटी अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसा जोड़े, उस बेटी पे आखिर किस माँ को नाज नहीं होगा? हाँ दीदी, जहाँ जॉब करती थी उस ओल्ड एज होम को खरीदने के लिए तो कितनी मेहनत कर रही है, सिर्फ इसलिए ना ताकि कोई भी उन लोगों को कभी भी वहां से निकाल ना सके। मैं बड़ी सेल्फिश हूं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही। यहां अच्छा लगता है इसीलिए कर रही हूं, अपनी मां के लिए कर रही हूं। सोनू और कार्तिक ने मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा और मैंने गिर गिर कर चलना सीखा, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ने के लिए आप नहीं थे। तू कितनी रोतड़ू थी ना, क्योंकि पता था रोएगी तो माँ दौड़ी दौड़ी आएगी। बच्चे शायद अपनी मॉम को बुलाने के लिए ही रोते हैं, इसलिए जिस दिन आप मुझे छोड़ के चली गई उस दिन के बाद से मैं कभी रोया नहीं। वैसे तो हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, पर तेरी माँ तुझे एक पल के लिए अपने से दूर करते हुए रो पड़ती थी। आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई और पलट कर भी नहीं देखा। दीदी को तेरे सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आपको पैसों के अलावा कभी कुछ नहीं दिखाई देता था, मैं भी नहीं। तभी तो अपने बच्चों को छोड़कर आपने किसी पैसे वाली से शादी कर ली। I will always love you, Mom. I will always hate you, Ma. राज, ख्याल रख लेना भाई। घर की सबसे छोटी है, सबसे लाडली है। Please. तो आप जीना बिल्कुल फिकर मत करो। आपने ना इसको प्रिंसेस की तरह रखा होगा, हम इसे ना क्वीन की तरह रखेंगे। इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है आप लोगों ने। सोनू को देख के और मिलके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी माँ भाग गई थी। मेरे तो सारे फ्रेंड्स कहते थे कि सरला इस घर में रिश्ता ना कर, माँ का असर तो बेटी पे आएगा ही। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि जो माँ ने किया वो बेटी भी करे, है कि नहीं? सही कहा आपने, बट पास्ट इज पास्ट और हमारी सोनू ऐसी नहीं है। सोनू बहुत अच्छी वाइफ, बहुत अच्छी बहू बनेगी। आपका नाम इश्की है? अब जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? मिस्टर अहान वीर मल्होत्रा ने इनके अगेंस्ट कार चोरी करने की रिपोर्ट लिखवाई है। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ, ये बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं क्लियर कर सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे जॉब मत छीनिए, मुझे जॉब की इस घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात इग्नोर कर दी। ये बड़ी बात तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं। और सोनू वो लड़के वाले हैं, कभी कुछ गलत बात बोल भी दे तो इग्नोर कर देना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे? इनकी माँ नहीं है ना तो संस्कार भी नहीं है। हाँ मैं हर्ट हुआ, लेकिन मैं बोलता तो बेइज्जती होती, तमाशा होता। मेरे लिए फैमिली की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, और तेरे लिए भी नहीं होना चाहिए। एक बार हमारी फैमिली का तमाशा ऑलरेडी बन चुका है, दोबारा बनेगा तो हम में से कोई सर उठा के नहीं जी सकेगा। क्यों? क्या चोरी हुआ है आपके घर से? क्या मिसिंग है? मैंने घर आकर आपकी कार लौटाई, अपोलॉजी लेटर लिखा और आपने मुझे जेल भिजवा दिया। ये वैल्यूज है आपकी? आपकी फैमिली ने आपको ये सिखाया है? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें क्या सिखाया है?
लोगों की गाड़ियां चुराना, दूसरों को भगाकर उनकी शादी करवाना। हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। और मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है कि फैमिली वैल्यूज से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसी फैमिली वैल्यूज का क्या फायदा जो दो प्यार करने वालों को अलग कर दे? और ऐसे प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को अलग कर दे? फैमिली वैल्यूज इज द मेन थिंग। इट्स ऑलवेज अबाउट द फैमिली वैल्यू। इट्स ऑलवेज अबाउट लव। गेट लॉस्ट। एंड आई होप तुम्हें ये सबक मिल गया है कि आहान वीर मल्होत्रा से टकराने का अंजाम क्या होता है। हाँ, मुझे मिल चुका है, पर आपका सबक बाकी है। सेम टू यू, दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। कहाँ चले गई थी? सॉरी, मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। आपको फूल बहुत पसंद है ना, और मैं रास्ता भूल गई, फिर यहाँ चली आई। जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू? मेरी फोटो दे दो दादी। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम गरीब थे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता रहा, ये खुश नहीं हुई। इसको तो ऐश करनी थी ना, और इसके लिए किसी पैसे वाले से शादी करके बिलायत भाग गई, और आज तक अपने बच्चों के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी, और तू उसकी तस्वीर से बैठ के बातें कर रही है। जिसकी यादों को इस घर में आने की इजाजत नहीं, उसे तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। आपको अपने बच्चों से मिलना है? मिलना मुझे, मैं ले जाऊंगी। वादा। मेरी बेटी की मौत सावित्री का पाप था, और उसके बच्चों की नफरत उसकी सजा। मैं अपने बेटे को तो उसके मनहूस साये से नहीं बचा पाई, लेकिन अपने पोते पोतियों पे उसका साया नहीं पड़ने दूंगी। अगर तूने या तेरी बीबी ने आहान और सोनू को कुछ भी सच बताने की कोशिश की, मेरा मरा मुंह देखोगे। खुशकी तू? आंटी जी, खुशकी नहीं, इश्की। तू तो बड़ा एटीट्यूड दिखा के जॉब को हाथ मार के चली गई थी। लात मार के, वो जो कुछ भी है। अब क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ, अपनी सर्विसेज देने आई हूँ आंटी जी। अब देखिए, शादी का घर है, इतना काम है, मेरे बिना कैसे होगा? थैंक यू भैया यहाँ पे रुकने के लिए। चलिए अभी।
उससे कहा था ना, इस घर में इसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं है, फिर ये दोबारा यहाँ कैसे आई? मैंने नहीं रखी दादी। किसने रखी फिर? मैंने। शायद आप लोग सब भूल गए हो कि आज इनकी बरसी है और बरसी की पूजा के लिए पंडित जी और तस्वीर दोनों की जरूरत पड़ती है। बेटा, शादी वाला घर है, इस साल बरसी रहने दे। जिस दिन ये हमें छोड़ के गई थी उस दिन से लेके आज तक, आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं और आज भी मनाएंगे। आ गया लड़की वालों का घर। यू कार थीफ, ये चोर है। लग गई लंका। क्या करूं, अंदर जाऊं ना जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने लगी हो ना, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपना वादा पूरा किया। जी, आपके समझाने में तो किसी की बरसी हो रही है, अब ऐसे में रिंग का साइज कैसे लाऊं? 300 रुपए का पेट्रोल खर्च करके तुझे भेजा था, इसीलिए नहीं कि तू बहाने बनाए। जब आप किसी की देती नहीं हुई है तो बरसी कैसी? अरे हुआ होता तो मुझे पता होता ना। चल, जिस काम के लिए भेजा ना वो काम कर गया, वरना तेरी नौकरी तो गई समझ। जी कहाँ गए? आंटी जी, मैंने आपसे कहा था ना एक ही जगह बैठे रहिएगा। मैं ना बच्चों के लिए फूल तोड़ रही थी। अच्छा, आप मेरे साथ अंदर चलिए। ये जरूर सरला आंटी की होने वाली बहू है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आती हूं। हेलो हेलो सला जी, आपने यहाँ किसी लड़की को भेजा है क्या सोनू की रिंग का साइज लेने के लिए? ये मेरी असिस्टेंट इश्की, अब तक वहाँ पहुँची नहीं क्या? नहीं नहीं, पहुँच गई, बस बताने के लिए फोन किया था। थैंक यू। सुन लिया जनाब, इतना शक भी करना ठीक नहीं है, रुला दिया बेचारी को। हाँ भाई चलो, आप अब चलो रिंग का साइज ले लो। एक मिनट। आप कुछ भूल रहे हैं। सॉरी बोलना भूल गए। माता रानी, माता रानी। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। होता तो है। होता होगा पर आज नहीं। आपके मुंह से सॉरी सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
मेरे बच्चे। कौन है तू? सावित्री? दादी क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? ये फ्रेम कैसे टूटा? कॉकरोच देख के मैं डर गई, तब मेरा हाथ लग गया, तब फ्रेम टूट गया। कहीं मेरी वाली आंटी जी तो नहीं चीखी? कैसे पता करूं, हम तो डर ही गए थे। डर तो मैं भी गई थी। इतने सालों से ये इस पिंजरे में बंद थी, कभी कुछ नहीं हुआ, आज अचानक ये पिंजरा खुल कैसे गया? I'm sorry. दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पर्सनली इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा और दवाइयों की डोज भी, ताकि ये कभी नॉर्मल ना हो पाए। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। जी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है मैडम, कि ये खुद यहाँ पर वापस लौट आई। चिड़िया खुद से पिंजरे से बाहर निकल तो सकती है, पर खुद से वापस नहीं लौट सकती। किसी ने तो इसकी मदद की है, पर किसने? आज से सारा काम मैं संभालूंगा पापा, और आप सिर्फ आराम करेंगे। And no more drinks, uncle. और थोड़े दिनों के लिए गोल्फ भी बंद। अरे आपकी हेल्थ के लिए तो बोल रहा है वो। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो हेल्थ का क्या, अचार डालना है? ये तो बस ये बोलते हैं कि इंसान कोई भी एक्सरसाइज ना करे और कोई भी परहेज ना करे, बस ऐसा दोस्त बना ले। जो दिल यार जीत लेना वो कभी बीमार नहीं हो सकता। भैया सच में अब हम दोनों के बिना रोका कर रहे हैं? आपने हमें पराया धन कर दिया ना। अरे तुम लोग ये नौटंकी बंद करो, मैं आ मेरा। एक बार मेरा दिन खराब करके चैन नहीं मिला तुम्हें, जो दिन में दो बार टकराने लग गई हो मुझसे। ओम तत्सत। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। बाबा, बाबा, हम जोड़ी नहीं हैं। ले लीजिए। और प्लीज प्रार्थना करना कि ये कार्ड थीफ कभी मेरे सामने भी ना आए। चॉकलेट इंस्टेंट एनर्जी, जो एनर्जी आएगी ना से खाके, उससे भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये 3-in-1 वाला आदमी आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। तुम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह लड़ते हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, तुम्हारे सर पर तो चुन्नी भी है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। बाबा की बात सुनते हो ना, अपने मन में कोई आइडियाज मत लाइएगा। आज तो क्या, मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। बेटा हम तुझ पे कोई दबाव डालना नहीं चाहते, लेकिन ये हार्ट अटैक आया है, मन में एक डर सा बैठ गया है, पता नहीं मेरे पास और 1 साल है भी। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं ये? बेटा मैं और 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, हम चाहते हैं अगर तू हाँ कहे तो तेरी और मेरे मयंक की शादी इसी महीने में कर दे। मेरी हाँ है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। आज मेरी लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। आहान, मीट माई होने वाली वाइफ इश्की। इश्की, मीट आहान, माय बेस्ट फ्रेंड। अरे खड़ा क्या है, चुनरी देना।
रस्म शुरू होने वाली है यार। मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। इश्की चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सार इश्क पे। चुनरी, मेरी चुनरी कांटों में, ट्रैफिक में, सीबीआई केस में कहीं भी फंस सकती थी, पर फंसी तो मिस्टर 3-in-1 के ब्रेसलेट में। ये ब्रेसलेट तो कहीं भी अटक सकता था, अटका तो इस कार्तिक की चुनरी में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.